और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां पर चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उज्जैन से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर चाइनीज मांझा बेचने पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि उज्जैन में प्रशासन की तरफ से नीलगंगा थाना क्षेत्र में आरोपियों के घर तोड़ने के लिए कार्रवाई की गई है और आरोपियों को मकानों को जमींदोज किया गया। आरोपियों के खिलाफ कुछ दिन पहले में केस दर्ज हुआ था। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इस वक्त जो अवैध तरीके से घर बनाए गए थे उन पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर बैन होने के बावजूद चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली है। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई पक्षियों को नुकसान पहुंचता है, उसके बावजूद चाइनीज मांझे का जो कारोबार है बड़े स्तर पर चलता है और इसको रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया। यहाँ पर पिछले साल मांझे की वजह से आपको बता दें कि युवती की जान भी चली गई थी और चाइनीज मांझे को उसके बाद बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कई दुकानदार मानने को तैयार नहीं थे। लगातार चाइनीज मांझा उनकी तरफ से बेचा जा रहा था और अब जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे उन पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। हथौड़ा चला है नगर निगम का, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बड़ी कार्रवाई और यहां से एक संदेश देने की कोशिश भी कि बाजार में अब चाइनीज मांझा नहीं बिकना चाहिए। चाइना डोर बेची गई थी और जिनका मकान है वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था ना, हमने डोर बेची है। दुकान का कोई नौकर था वो कर रहा था, तो इनको नोटिस कल आया, 3 दिन का समय दिया, पर उससे पहले ही तोड़ने आ गए। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सजा नहीं देना चाहिए, किसी भी विषय पे एक बार बात करना चाहिए। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि हूँ, इस नाते मुझे जाना बनता भी था। इसका प्रकरण ये कि चाइना डोर का मामला है, कल कुछ डोर जब्त हुई है। विषय गंभीर जरूर है, पर उसमें कम से कम इनको समय देना चाहिए था। इनके दुकान के जो नौकर है वो पकड़ा थे डोर के साथ, और सजा मालिक को दी जा रही है, और ना कि इनकी दुकान से पकड़ा, ना घर से पकड़ा, ये नाना खेड़ा के आसपास से कहीं से डोर पकड़ी थी। तो ये कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है, भले मैं पार्षद हूँ या जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह कार्रवाई इतनी उचित नहीं, क्योंकि आप एकदम से कल चस्पा कर रहे हैं, नोटिस 2 दिन का समय दे रहे हैं, उनको अपनी सफाई दे रहे, पेश करने का मौका नहीं दिया। इस साल चाइना डोर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी उज्जैन में, शासन ने उसके खिलाफ ऑर्डर भी निकाला था। साथ ही साथ जो भी व्यापारी हैं दुकान इसका क्रय विक्रय करते हैं उनकी समय समय पर मीटिंग भी ली गई थी, पुलिस और प्रशासन द्वारा उनको एडवाइजरी भी जारी की गई थी। उसके पश्चात भी चाइना डोर की क्रय और विक्रय चलता रहा, तो उसी संदर्भ में इनके खिलाफ नाना खेड़ा थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है शासन के उल्लंघन का, जिसमें 48 चाइनीज गिट्टे पाए गए थे, तो उसी के तहत इनके मकान का जो अवैध हिस्सा है उसको आज तोड़ा जा रहा है। और हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, यहाँ तक कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कार्रवाई को लेकर। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहाँ पर लगातार ये जो कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सवाल उठा रहे हैं इस तरह की कार्रवाई को लेकर, और ये कहना कि इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी।